हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट करने का आदत ही नहीं है अपना, सीधा पॉइंट पे आते हैं वो सीधा वीडियो बना के आपको बता दिया जाता है। ऑफिशियल पीडीएफ पे मैं हूं और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपके दिमाग में अगर कोई कचरा है कि स्टाफ नर्स से छोटी जॉब है और कम सैलरी मिलेगी और कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो आज सारा कचरा इस वीडियो के अंदर से निकालने वाला हूं। आपके दिमाग में जो गुस्सा हुआ है वो निकाल फेंकिए, क्योंकि सीएचओ की जॉब जबरदस्त है, इसीलिए इसका शायद नाम पड़ा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बता देता हूं, मिड लेवल हेल्थ वर्कर कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को। और मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले एक नॉर्मल सी चीज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मल सी चीज बताऊं, 6 मंथ की होती है ट्रेनिंग, उसके बाद में देना पड़ता है आपको एक छोटा सा इग्नू का एग्जाम, ठीक है, 30 वर्सेस, ठीक है, और इसमें की पॉइंट्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है, जो आपको 6 मंथ में पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, वो होता है इग्नू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल एग्जाम होता है, उसके अंदर 99% बंदे तो पास ही हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। और अगर कोई फेल भी हो जाता है तो उसको मिलते हैं 2 से 3 चांस, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेता हूँ, जो आज वीडियो बनाया था, मिड लेवल हेल्थ वर्कर या प्रोवाइडर हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है 6 मंथ के बाद में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और कभी कभी पीएससी एंड सीएससी पे भी हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं, ज़बरदस्त जो चीज़ बता रहा हूँ, ऑफिशियल पीडीएफ है, ये कोई घर की बनाई हुई पीडीएफ नहीं है, ये भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा पीडीएफ बनाई गई है। सीएचओ का फ्यूचर इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है ऑब्जॉर्प्शन एज रेगुलर MLHP फॉर कॉन्ट्रैक्टुअल एम्प्लॉयज आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर तक आप रहोगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, याद रख लेना। 6 ईयर की जॉब होने के बाद आपको कर दिया जाएगा क्या, परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, रेगुलर कर दिया जाएगा 6 साल बाद में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें बता लेता हूँ, मेडिकल ऑफिसर तक बन सकते हो आप, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर सकते हो अगर सीएचओ हो तो। चलिए पूरी बात करेंगे, सबसे पहले एक साइड का जो ऑप्शन आता है वो एक ऑप्शन आता है कि 6 साल आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आप हो गए रेगुलर, आपको बेल्ट मिल गया रेगुलर का, उसके बाद में अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते और आप चाहते हो, एक ऑप्शन मिलता है कि मुझे ये सीएससी पीएससी चाहिए, मुझे लाइफ टाइम यही जॉब करनी है, चाहे वो हो प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक, क्लिनिकल नर्स, जो भी काम आपको दिया जाता है वो करना पड़ता है, ठीक है, वो ऑप्शन के थ्रू आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा तो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 साल बाद में एक एग्जाम होगा, कौन सा एग्ज़ाम होगा वो बता देता हूँ, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू सपोर्ट PHCMO, जो एग्ज़ाम होगा अगर वो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप MO, जो मेडिकल ऑफिसर होता है PSC CSC लेवल पे, उसके बराबर में बैठ के आप मेडिसिन दे सकते हो, ठीक है, और बराबर में बैठ के ट्रीटमेंट लिख सकते हो, एज ए उसके असिस्टेंट आप काम कर सकते हो, आपको फिर नॉर्मल काम करने की जरूरत नहीं होगी, आप एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हो, ठीक है। ये हुई एक बड़ी बात, आगे बात करते हैं, 1 ईयर ट्रेनिंग, अब और ऑप्शन मिलता है, बहुत लग्जरी चीज़ है, मुझे मज़ा आ गया आज आपको बताने में और डेफिनेटली आपको भी आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे बता देता हूँ, 5 to 6 ईयर, ठीक है, एक कोर्स होता है 1 ईयर का, एक ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, मैनेजमेंट हॉस्पिटल की अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपको ब्लॉक लेवल CHO टू सपोर्ट BMO IC, यानी कि आपको ब्लॉक लेवल बना दिया जाता है CHO सपोर्ट के लिए, रख लिया जाता है, आपको फिर नॉर्मल काम नहीं करना, ठीक है, यह सीधा चला गया ऊपर, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए
आगे ये डायरेक्टली अगर पहुंच गया तो आप असिस्टेंट भी बन सकते हैं। आप असिस्टेंट बन सकते हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोग्राम होते हैं उनकी आप रेख देख कर सकते हैं कैसे मैनेजमेंट करना। एक बड़ी पोस्ट होती है तो सैलरी भी उसके अंदर ज़बरदस्त मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्त है। और ये कोर्स करके आप ट्यूटर की पोस्ट पर भी जा सकते हो, जैसे कि अभी आपको CHO आप बन गए तो आपको जो ट्रेनिंग करवाएंगे जो डॉक्टर, ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं वो भी बन सकते हो। मतलब 6 साल बाद में आप CHO को ट्रेनिंग करवा सकते हो। ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है CHO के लिए, ठीक है। ये एक और एग्जाम होगा यानी कि स्पेशल ट्रेनिंग होगी, उससे आप बन सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट जो बता देता हूँ, एक CHO@DH टू असिस्ट डिस्ट्रिक्ट सर्जन भी बन सकते हो। अगर कहीं ना कहीं ये कोर्स कर लेते हो तो आपको कोई भी काम नहीं करना, आप सर्जन के लेवल से काम कर सकते हो, सर्जन के असिस्टेंट बन सकते हो। तो सोच लीजिए उसमें आपकी क्या लग्जरी सैलरी रहने वाली है। क्या करना है, CHO@ फैसिलिटी टू सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी सर्जन होता है के लेवल में काम कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसी जानकारी कंटिन्यू लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। सैलरी की मैंने बात करी ही नहीं, 15,000 इंसेंटिव मिलता है और मिलता है 25,000, वो तो 40,000 सैलरी आपको मिलने वाली है, और भी आपको काफ़ी सर्विसेज इसके अंदर मिलती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय।